सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौद पर इस समय हालत संभले नहीं संभल रही। ओपीडी में बैठने वाले चिकित्सक जहां नदारद हैं, वहीं इलाज के अभाव में मरीज परेशान हाल घूम रहे हैं। इलाज को आने वाले मरीज चिकित्सकों की राह जोते रहते हैं और बाहर बनी ब्रेंच पर पूरा पूरा दिन पड़े रहने के बाद ये मरीज वापस अपने घर लौट आते हैं। सबसे बड़ी हैरत की बात तो यह है कि ओपीडी में आयुष चिकित्सकों की तैनाती की गई है और यही चिकित्सक सभी तरह का इलाज भी करते हैं। आज की स्थिति और भी ज़्यादा भयानक थी, क्योंकि सीएचसी पर दो चिकित्सक तो छुट्टी पर थे जबकि केवल एक चिकित्सक ही ओपीडी में मौजूद रहे। इलाज के लिए महिला मरीज बाहर ब्रेंच पर घंटों तक लेटी रही, जिसे देखने वाला कोई नहीं था। अभी अभी नंबर एक गेट पर गई थी मैं, उन्होंने डॉक्टर साहब जहाँ पे मैं 10 नंबर गेट पे जहाँ पे 10 नंबर रूम पे उसमें मतलब एक्सरे हो रहे थे, उन्होंने बोला था डॉक्टर से लिखवा के लाओ। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि यहाँ पे एक्सरे चेकअप करवाने के लिए। इसको दिखाना, डॉक्टर ने को दिखा गया, जांच करवानी थी, डॉक्टर ने आया नहीं। आप बहू को लेकर आ रहे जी, बहू जगह चेकअप करवाने के लिए आ रहे, एक घंटे तक भी ऊपर होगा कोई यहाँ मिल ही नहीं रहा जी। परेशान मेरे बच्चे भी, क्या परेशानी है? परेशानी भोगे पेटो बच्चा है जी, पूरे दिन ले रहा जी दिखाने के लिए चेकअप करा। वही एकमात्र महिला चिकित्सक भी मैटरनिटी लीव पर चल रही है, जिस कारण अस्पताल में इस समय कोई महिला चिकित्सक मौजूद नहीं है। यहाँ इलाज को आने वाले मरीजों को जिला अस्पताल के लिए रेफर करना जैसे मजबूरी बन गया है। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर विजय कुमार का कहना है कि ओपीडी में बैठने वाले दो चिकित्सक छुट्टी पर चल रहे हैं, वही महिला चिकित्सक भी मैटरनिटी लीव पर है। नहीं, एब्सेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर अभी मेरी इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं, एक जो है इमरजेंसी ड्यूटी करके गए हैं आज, दो तीसरा एक जो कि ऑफ पे चल रहा है, एक सीएल पे है, छुट्टी पे है, बाकी एक ओपीडी में बैठे हुए हैं। ओपीडी में तो डॉक्टर ये बताया कि आयुष चिकित्सक वगैरह, हाँ जो पोस्टेज हैं आयुष चिकित्सक पोस्टेज हैं मेरे यहाँ, और महिला चिकित्सक मेरे यहाँ कोई पोस्टेज नहीं है, एक पोस्टेज थी जो कि मैटरनिटी लीव पे है। नहीं देखो, जानकारी सभी को होती है, ऐसा नहीं है महिला पुरुष में कोई ऐसा भेदभाव होता है। आज जांच के लिए अगर कोई आवश्यकता होती है तो ऊपर स्टाफ के पास भेज के या फिर जिला अस्पताल पे हम उनको भेजते हैं।